मैं आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉग इन करोगे, ओके, तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। आप हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल गुरमीत दिस साइड, योर परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंसल्टेंट। सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे कि अगर हमको ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो उस पे अगर हमको अपना अवेयरनेस कैंपेन बिल्ड करना है, आपको ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो, तो जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उनका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो पूरी उसी के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है और आप लोगों को समझ में आता है, आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो आप कमेंट करना, और ऑन द बेस ऑफ योर कमेंट डेफिनेटली आई विल मेक ऑल प्लेटफॉर्म लाइक जैसे कि हमारा हॉटस्टार हो गया, हमारा जी हो गया, हमारा वूट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हो गए, मैं सबके ऊपर वीडियोस आपको बताऊंगा बनाकर, ठीक है, तो किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। बट मेक श्योर उसके लिए आप लोगों को कमेंट करने होंगे, आपको किस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो आज जो उसके लिए मेरे को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाना है सबसे पहले, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम चलते हैं और आगे जाके मैं आपको फिर सारी चीजें जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ओके। सो मैंने भी स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है और फिर हम सारी चीजों को जो है वो शुरू करते हुए चलेंगे, तो विद इन 10 मिनट्स यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ओके। सो एज यू कैन सी नाउ ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, और मैंने पहले से एमएक्स प्लेयर जो है वो अपने साइड वाले टैब में खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए एमएक्स प्लेयर का जो हमारा यूआरएल है वो आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। सो हमारा एमएक्स प्लेयर पे जब भी हमको करना होता है, तो उसके लिए हमारा जो यूआरएल है विच इज advantage.mxplayer.in, ठीक है, और मेरा एजेंसी डैशबोर्ड है, तो हम एजेंसी के थ्रू जैसे एड्स कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एडवर्टाइजर और एजेंसी, ठीक है। सो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ स्टार्ट टू एंड, ताकि आप लोगों को भी इजीली सारी चीजें कवर हो जाए, ठीक है। तो एज यू कैन सी अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो अभी हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले ना मैं आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करने के बाद में जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉग इन करोगे, ओके, तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, आपसे फिर बातें होंगी और उसके बेसिस पर आपको चीजें यहाँ से लोग बाग बता देंगे, ठीक है। सो अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया क्लाइंट, ठीक है। सो अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं इमेज कैंपेन और वीडियो, दो कैंपेन इसमें हम यूज कर सकते हैं, बट मैं इमेज कैंपेन करूंगा, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। और उसमें भी आप देख सकते हो कि रिकमेंडेड जो है, सो अभी ये क्या बोल रहा है कि ना कि ओके यू वॉन्ट टू डू, सो आपके पास ये तीन तरह के इसमें कैंपेन आप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वन इज एमएस लोकल, उसके बाद में इंटरशीशर और लास्ट वन इज ओटीटी कैरोसेल, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्राइसिंग इसने हमको बताई हुई है, कोई इशू नहीं है, प्राइसिंग के थ्रू इसमें जा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ, जिसके अंदर वो बोल रहा है कि 70 rupees INR हमको पे करने पड़ेंगे पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है। उसमें अवेबिलिटीज इसने हमको बताई हुई है, कोई इशू नहीं है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आई सिंपली जस्ट वेट इट्स लोडिंग, ओके, या नाउ जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, ओके। सो वंस आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, सो इट विल शो मी दैट कि आपको अपना स्टार्ट डेट क्या रखना है कैंपेन का, ठीक है। तो हम इस टाइम स्केड्यूलिंग और बजट के अंदर जो हमारा स्टेप है उसमें आ चुके हैं, ठीक है। तो टोटल बजट जो इसमें हमारा है वो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको 2500 पर डे से ज्यादा ही रखना होगा, तभी आप इस पर अच्छे रिजल्ट देख पाओगे, उससे कम ये लेता भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको 25 कर देता हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जैसे मैं इसको एक करके बाहर आऊंगा तो इट इज शोइंग कि आपका मिनिमम इतना होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम इसको रखेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में अभी इट इज शोइंग कि आपको इतने इंप्रेशन तो मिनिमम इसमें आने ही वाले हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अभी आप देख सकते हो कि अब इसमें हमको बोल रहा है कि अपनी लोकेशन जो है उसको टारगेटिंग की क्या लोकेशन रखने वाले, तो जियो लोकेशन जो हमारी है, मैं फिलहाल के लिए इंडिया टारगेट कर लेता हूँ, मेरे को ना पैन इंडिया टारगेटिंग करनी है, तो आप इंडिया इसमें मेरे को दे दो, ठीक है। तो हम एड कर लेंगे इंडिया, ओके। लाइकवाइज आप रिमूव भी कर सकते हो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन को रिमूव करना है, ठीक है। ओटीटी का मेन मोटिव जो होता है वो अवेयरनेस बिल्ड करना होता है, तो आई लाइक दिस इज माय प्रो टिप फॉर यू कि अगर आप करना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप पैन इंडिया टारगेट करना, क्योंकि अवेयरनेस इज लाइक अ थिंग जो आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करती है, ठीक है। तो आपको वैसे भी कन्वर्जन कुछ नहीं लेनी है, बट आप माउथ टू माउथ मार्केटिंग जैसे होती है, काफी सारी चीजें होती है, तो उसके लिए आपको बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप पैन इंडिया टारगेट करो, कंट्री तो आप पैन कर ही लो, ठीक है। उसके बाद में एनी टाइम ऑफ द डे मेरे पास में स्लॉट्स बुक करने का ऑप्शन है, या स्पेसिफिक टाइम हम कर सकते हैं, तो अभी मैं करूंगा एनी टाइम ऑफ द डे। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कैपिंग मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कितने लोगों को अपना एड एक दिन में, एक बंदे को कितनी बार अपना एड दिखाना है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मेरे को एक बंदे को दिन में एक बार दिखाना है, एक बंदे को हफ्ते में कितनी बार दिखाना है, या मंथ में कितनी बार दिखाना है। तो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट मिक्स एंड मैच द थिंग्स और अपनी फ्रीक्वेंसी कैपिंग को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। एनेबल करने के लिए आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंप्रेशंस जो अपने वो फिल कर लोगे, ठीक है। मेरे को भी जरूरत नहीं है, इसको बंद कर रहा हूँ। मैं इस चीज का जो एक तरीके से
फ्रीडम है राइट जो है वो भी आईमेक्स को ही दे रहा हूँ कि वो अपने एंड से अच्छे मेरे लिए बिडिंग्स करके दे, ठीक है, और अच्छे से अच्छे मेरे को रिजल्ट लगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वी कैन सेलेक्ट अवर एज, तो एज अगर हम सिलेक्ट जो कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 13 to 17 होती है, 18 to 24 होती है, उसके बाद में 25 to 34, 35 to 45 और उसके बाद 45 प्लस, ठीक है। लाइकवाइज जेंडर यू कैन सेलेक्ट कि आपको मेल फीमेल किसको करना है। ड्राइव डिवाइस प्राइस का जो है वो आप देख सकते हो, इसमें 10K to 15K है और बिलो 10K है और अप टू उसके बाद बोल रहा है 20K प्लस आप जा सकते हो, ठीक है, 15 to 20K। तो इसमें मेरे को थोड़ा लगा कि अभी यहाँ इनको थोड़ा काम करना चाहिए, लाइक इफ दे कैन, सो दे कैन डू द बेसिस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, एंड्रॉइड है, iOS है, विंडोज है, उसके बेसिस पर अगर ये कुछ दे पाए तो वो और अच्छा हमारे लिए थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज वी कैन डू इंटरेस्ट टारगेटिंग, सो इंटरेस्ट टारगेटिंग आप देख सकते हैं, हम इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मेरा प्रोडक्ट आई एम लॉन्चिंग समथिंग रिलेटेड टू बाइक, ओके, सो आई कैन सेलेक्ट द बाइक ओनर्स। लाइकवाइज इफ ओनर्स लाइक क्लासीफाइड होते हैं हमारे, क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, ठीक है, तो आप कुछ उस तरीके से करना चाह रहे हो तो आप उसके बेसिस पर अपने आपको देखकर उसके बेसिस पर आपको यहाँ से अपना इंटरेस्ट जो है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो वंस वी क्लिक ऑन नेक्स्ट, सो इट विल शो अस कि आपको ना अपने क्रिएटिव जो है इसमें वो ऐड करने हैं, ठीक है। सो इसमें जब हम क्रिएटिव पे सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्रिएटिव के लिए क्राइटेरिया है, वो आप यहाँ से जाकर क्रिएटिव पॉलिसी एक बार पढ़ लो एंड हाउ इट वर्क्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सो इसमें हमको इसमें 4 तरह के ऑप्शन में दिए, थर्ड पार्टी होता है हमारा, इसमें अंदर हम स्क्रिप्ट जो है वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के थ्रू स्क्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ हमने खुद सिंपल या सैंपल स्टेप्स जो होते हैं उनको फॉलो करके सिंपल स्टेप्स के साथ कुछ सैंपल बना लेंगे। ये हमारी क्रिएटिव लाइब्रेरी होती है, इस लाइब्रेरी से वी कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है। हमने पहले से कुछ यूज किया हुआ, आपको लगता है दोबारा वो यूज करना है तो आप लाइब्रेरी से उसको सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो मैंने लाइब्रेरी में कुछ डाले हुए हैं, मैं उन्हीं को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सो जैसे ये हमारा है, ठीक है, इसका साइज आप देख सकते हो, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में मेरे से पूछेगा कि आपको यही कॉपी करना है या इसको यूज करना है, तो मैं इसको कॉपी पे क्लिक करूंगा, ठीक है। कॉपी पे क्लिक करने के बाद में, अभी कॉपी पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो मेरी यहाँ से इमेज ही मेरे को बताया इस तरीके से आपकी इमेज आएगी। मैं इसको इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में नाउ इट इज शोइंग कि आपको अपना डेस्टिनेशन यूआरएल, सो डेस्टिनेशन यूआरएल लाइक अ फाइनल यूआरएल गूगल के अंदर जो हमारा होता है, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल यूआरएल होता है, तो डेस्टिनेशन मतलब जहां आपको अपना ट्रैफिक है वो सेंड करना है, जहां आपको ट्रैफिक अपना लैंड कराना है जिस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर। लैंडिंग पेज हो सकता है आपका पर्टिकुलर, आपका कोई होम पेज हो सकता है, आपका प्रोडक्ट पेज हो सकता है, आपका लीड फॉर्म पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो उस पर आपको लैंड कराना है, यहाँ से आप करा सकते हो। ये हमारा थर्ड पार्टी यूआरएल ट्रैकिंग के लिए होता है, यूआरएल ट्रैकिंग इज अनदर थिंग, आपको मैं अभी छोटे अगर टर्म में बताऊं। सो यूआरएल ट्रैकिंग जो होता है हम उसका यूज करते हैं हमारे ट्रैकिंग करने के लिए, यूआरएल की कितना ट्रैफिक क्लिक किया है, कितना हमारा इस पर्टिकुलर क्लिक को करके हमारी साइट के ऊपर लोग आ गए, ताकि हमको पता चल सके कि कितना ट्रैफिक इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हमें जनरेट हो रहा है, ताकि हम मेजर कर सकें चीजों को। क्योंकि आपको पता है कि आप ट्रैफिक कितना भी जनरेट कर लो, जब तक आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे ना राइट फॉर्म, तो आपके लिए वो ट्रैफिक बेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करते हो, उसके बाद आप कंप्लीट पे क्लिक करोगे। तो वंस वी क्लिक ऑन द कंप्लीट, सो इट विल शो अस कि आप ये जो आपने चीजें ली हैं, आपको ये चीज आपने सेलेक्ट की है, और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि इतने इंप्रेशन तो आपको पड़ेंगे, एस्टिमेटेड इंप्रेशन इतने आ रहे हैं, टोटल बजट आपका इतना है। और उसके बाद में आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है हमारा कि हम रिव्यू कर सके अपने कैंपेन को पूरा। तो स्टार्ट पॉइंट मेरे कैंपेन का जो रिव्यू है वो जिस तरीके से है, और जियो टारगेटिंग मैंने इंडिया किया है, क्रिएटिव मैंने ये लिया, अगर मैंने कुछ इसमें इंटरेस्ट वगैरह टारगेटिंग ली होती, डिवाइस टारगेटिंग ली होती, आई कैन सी दैट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। उसके बाद हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि क्या हमने इमेज किया, उसके बाद आप चेकआउट और सेव एंड पे लेटर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अभी करंट करना है तो आप चेकआउट पे क्लिक करोगे, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस किस तरह के कार्ड्स वगैरह क्या क्या पेमेंट ऑप्शन के पास में है, वहां पे ऐसे ले सकते हो। सेव एंड पे लेटर में मतलब कि आपने सेव ड्राफ्ट कैंपेन रन करके रख लिया और बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद में बात आती है कि हम अगर दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बट मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और आपके कुछ क्वेश्चन थे तो आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। ओटीटी आपने देखा कितना ईजी है यूज करना, जहां तक एमएक्स की हम बात करें, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं इन सब चीजों को। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, और आपके क्वेश्चन से उनको कमेंट में पूछो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपके फ्यूचर में आने वाली जितनी भी इस तरह की वीडियोज है आपको वो मिलती रहे, और आप जो कंटेंट है उसके साथ अपडेट रहे। इस तरीके से हम इस वीडियो को एंड करते हैं, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।